सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सागर एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ सुपर ब्रो। सो गाइस, मैंने अभी कुछ दिनों पहले ही नेटफ्लिक्स पे एक न्यू के ड्रामा देखा जिसका आज मैं रिव्यू करने आ रहा हूँ। इसके सारे एपिसोड तो आए नहीं है, यार सैटरडे आपको देखने के लिए मिलता है, जिसका नाम है नेवर प्लेस। ये बिल्कुल रनिंग में चल रहा है के ड्रामा। अगर आपको रनिंग में चलते हुए के ड्रामा पसंद है तो आप इसको देख सकते हो। मैंने इसके अभी तक दो ही एपिसोड देखे और इसके ज्यादा एपिसोड तो आए भी नहीं है, तो मैं उसी के बेसिस पे आज इस पे रिव्यू करने जा रहा हूँ, जो कि गाइस 18 प्लस ड्रामा है। अब इसमें ऐसा क्या है जो कि 18 प्लस है? तो गाइस चलिए तो इसका रिव्यू शुरू करते हैं। और गाइस रिव्यू शुरू करने से पहले गाइस मैं बता दूं, अगर कोई नया है जो कि मेरी वीडियो देख रहा है तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। इसी तरीके की के ड्रामा रिलेटेड वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिलती रहेगी। और गाइस मैं बता दूं, के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट पे और भी ज्यादा न्यू रिव्यूज डाल रखे हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। के ड्रामा वाली प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो आप जाके चैनल पे भी जाकर के देख सकते हो। तो गाइज इस अमेजिंग के ड्रामा की स्टोरी शुरू होती है हमारे मेन लीड से, जो कि गाइज एक प्ले बॉय टाइप का लड़का होता है। मतलब प्ले बॉय कहना पता नहीं मुझे वर्ड सही होगा या नहीं होगा, मतलब कि एक ऐसा लड़का जो कि हमेशा लड़कियों को चेंज करता रहता है, मतलब कि बदलता रहता है और फ्लर्टिंग करता रहता है लड़की से, जो कि टाइम पास के लिए सारी चीजें करता रहता है। तो गाइज हमारा मेन लीड ऐसा है। लेकिन गाइज हमारी फीमेल लीड की बात करें जो कि हमें इसमें देखने के लिए मिलने वाली है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल के साथ साथ बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है और बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट टाइप की भी गर्ल है। ये ज्यादा किससे बात नहीं करती, लेकिन जिससे भी बात करती है उससे अच्छे से बात करती है। और गाइज ये भी ड्रामास की तरह ये मानती है कि इनको इनका फर्स्ट लव ही चाहिए, मतलब कि जो इनका लव होगा ये उसी के साथ रहना चाहती है। ये किसी टाइम पास के लिए किसी भी लड़के से नहीं मिलना चाहती। लेकिन हमारा फीमेल लीड समझ जाओ। तो गाइज इन दोनों की मुलाकात एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में होती है। तो गाइज हमारे जो मेन लीड है वो हमेशा की तरह टाइम पास के लिए एक ब्लाइंड डेट पे जाता है और उसी ब्लाइंड डेट पे मिलती है हमारी फीमेल लीड, जो कि गाइज ब्लाइंड डेट पे नहीं आती, वो किसी वजह से वहां पे पहुंच जाती है। और गाइज हमारा मेन लीड, उसको मौका मिल गया, वो शुरू हो जाता है उनसे फ्लर्टिंग करना। और गाइज फ्लर्ट करते करते और गाइज हमारी मेन लीड कुछ बोल ही नहीं पाती, लेकिन वो तो कंटिन्यूअसली उनसे फ्लर्ट करता रहता है। फिर उसे बाद में पता पड़ता है कि ये वो लड़की नहीं है जिसके लिए वो मिलने के लिए आता है। तो गाइज जब उसको पता पड़ता है तो गाइज वो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले चुका होता है कि उसको बहुत ज्यादा मजा आने लग जाता है उसमें। तो गाइज वो जिसके साथ फ्लर्ट करने आता है तो उस लड़की को फोन पे मना कर देता है। अब गाइज उन दोनों के मिलने से क्या होगा? वेल दोनों ही लोग अलग अलग तरीके की पर्सनैलिटीज है, उन दोनों को मिलने से क्या होगा? वेल गाइज मैं बता दूं, इसके ड्रामों में आपको बहुत ज्यादा एडल्ट सीन्स देखने के लिए मिल सकते हैं। और इसके स्टोरी की बात करूं तो मैंने इसका फर्स्ट एपिसोड देखने के बाद ही मैं पूरा अट्रैक्ट हो गया था इसकी ओर, क्योंकि गाइज मैं सबसे ज्यादा अट्रैक्ट इस चीज के लिए हुआ था कि हमारी जो फीमेल लीड है वो किस तरीके से हमारे मेल लीड के साथ एडजस्ट होती है, जो कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मतलब कि दो अलग अलग पर्सनैलिटी के लोग किस तरीके से साथ में बैठेंगे। और गाइज जो इसमें कॉमेडी है जो हमारे मेन लीड के द्वारा होती है वो काफी इंटरेस्टिंग है। वेल मैं अभी इस पूरे के ड्रामे को जज नहीं कर रहा क्योंकि इसके सारे एपिसोड्स नहीं आए हैं, इसके दो एपिसोड जितने भी आए हैं उसने मेरे को पूरा ही एंटरटेन किया हुआ है। और गाइज इसमें कुछ कुछ सीन्स तो आपको बहुत कमाल के देखने के लिए मिलेंगे, मतलब कि हमारा मेल लीड हमारी फीमेल लीड के साथ रहते रहते अगर जरा भी कोई इमोशनल है किस, कोई बात हो जाए किस, मतलब हर 10-10 मिनट में आपको एक एक किस। और गाइस दूसरी ओर हमारी फीमेल लीड इतनी ज्यादा सीधी है और उनकी एक्टिंग इतनी ज्यादा इम्पैक्टफुल है जो कि बहुत कमाल की लगती है। वेल सीरीज में उन्होंने ज्यादातर तो बात करी नहीं है, लेकिन जितनी भी बातचीत हुई है बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है वो, और मतलब कि देखते देखते आपकी वो क्रश भी बन सकती है। अगर आप कोई न्यू के ड्रामा देख रहे हो तो आप इसको देख सकते हो, अगर आपकी उम्र 18 प्लस है तो आप इस के ड्रामा को देख सकते हो, जिसमें जो अभी दो एपिसोड्स में जो इस तरीके से ट्विस्ट एंड टर्न्स आए हैं, जिस तरीके से प्रेजेंटेशंस हैं वो काफी इंटरेस्टिंग देखने के लिए मिल रही है। ये आगे जाके बहुत ही हिट के ड्रामा भी हो सकता है, क्योंकि इसमें जिस तरीके से केमिस्ट्री बिठाई गई है, जिस तरीके से सारी चीजों को प्रेजेंट किया गया है वो बहुत कमाल का है। वेल गाइस बाकी तो सारी बातें इसके बाकी के एपिसोड्स को देखने के बाद पता पड़ेगी। अब इसके बाकी के कितने एपिसोड्स आते हैं, हर सैटरडे इसके एपिसोड्स आते हैं, तो आपका पूरा हफ्ता अच्छे से पास हो सकता है इसको देख कर। गाइस इसलिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकता है कि ये ड्रामा पूरा कैसे होगा, बाकी इसको पूरा देखने के बाद रिव्यू आपको जल्दी मेरे चैनल पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो गाइस आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक पे।